हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे अपने पाइथन के अंदर MySQL कनेक्टर इंस्टॉल करेंगे पिप कमांड के थ्रू। ठीक है, एक लाइब्रेरी होती है MySQL कनेक्टर, उसको आप अपने सिस्टम कैसे इंस्टॉल करेंगे, जिसके लिए आपको एक इंटरनेट रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना जो फाइल है इसमें हम चेक करेंगे कि हमारे सिस्टम के अंदर पाइथन के साथ MySQL कनेक्टर इंस्टॉल है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम अपने पाइथन प्रोग्राम को ओपन करेंगे, उसमें एक इम्पोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर इम्पोर्ट करेंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे, जिससे पता चलेगा कि वो हमारे सिस्टम के अंदर पहले से ही MySQL कनेक्टर इंस्टॉल है या फिर नहीं है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने पाइथन आपके सामने इम्पोर्ट कर दिया है। ठीक है, उसमें हम एक कमांड लिखूंगा मैं आपके सामने, एक इम्पोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर, जो इसलिए मैं लिखूंगा यहाँ पे, इसको मैं राइट करूंगा, टाइप करूंगा, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि मेरे सिस्टम के अंदर पहले से पाइथन में जो कि MySQL कनेक्टर इंस्टॉल है या फिर नहीं है। ठीक है, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई एरर नहीं आएगा, अगर नहीं होगा तो आपको एक एरर शो कर देगा। ठीक है, नो मॉड्यूल और नो लाइब्रेरी फाउंड। ठीक है, जैसे हमने इसको इम्पोर्ट MySQL कनेक्टर हम रन किया तो कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब कि हमारे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो हम अब आपको बताएंगे कि कैसे आपको वो इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको अपने सिस्टम के अंदर इंटरनेट कनेक्शन आपको पहले से ही कनेक्टिविटी रिकॉर्ड होगी। ठीक है, कुछ MB की फाइल इंस्टॉल होगी और आपको बस कुछ नहीं करना, एक CMDB कमांड रन करनी है जिसके थ्रू आप सिस्टम के अंदर एक पाइथन की लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमें एक कमांड रन करनी होगी जिसको कहते हैं पिप इंस्टॉल MySQL डॉट कनेक्टर। पिप इंस्टॉल MySQL डैश कनेक्टर डैश पाइथन, इसको हमें CMD के अंदर रन करना होगा स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर, जो कि आपके पाइथन फाइल फोल्डर के अंदर होता है। ठीक है, पाइथन फाइल में नहीं, फोल्डर में होता है आपका स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर। ठीक है, उसको हम देखेंगे। तो हम चेक देखते हैं कैसे हम उसको स्क्रिप्ट फोल्डर ओपन करेंगे और CMD कमांड प्रॉम्प्ट स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर ही ओपन करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फाइल में जाते हैं, फाइल में होगा ओपन का ऑप्शन मिलेगा आपको, आप क्लिक करना तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी, उसके अंदर जो भी आपकी प्राथमिक प्रोग्राम होते हैं वहां पे आपका सेव होंगे। ठीक है, उसको ओपन करोगे तो वहां पे आपको दिखा देगा लोकल प्रोग्राम पाइथन 3.8, मेरे पास 3.8 है तो 3.8 दिखा रहा है। ठीक है, और जैसे जैसे क्लिक करोगे तो आप पूरा पाथ दिखा देगा, बट आपको कहाँ जाना पड़ेगा, स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर। ठीक है, इसके फोल्डर में जाके वहां पर आपको क्या करना होगा, कमांड CMD उसके एड्रेस बार में वहां पर आपको क्लिक करना होगा और वहां पर जस्ट CMD टाइप करना होगा। ठीक है, जैसे CMD टाइप करेंगे तो आपकी जो फोल्डर है, जो आपके CMD कमांड है, वो इसके फोल्डर के अंदर आपकी ओपन हो जाएगी, जैसा कि आप दिखा रहे हैं। तो हमारा जो भी, ठीक है, वहां पर हमें क्या करना होगा, उस CMD लोकेशन पे हमें पिप इंस्टॉलर कमांड रन करनी होगी। ठीक है, पिप इंस्टॉल MySQL डैश कनेक्टर डॉट सॉरी डैश पाइथन, जैसे इस कमांड को रन करेंगे, ठीक है, वो आपके सिस्टम के अंदर पाइथन की लाइब्रेरी MySQL डॉट कनेक्टर इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम कमांड लिखते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर पिप इंस्टॉल MySQL डैश कनेक्टर डैश पाइथन कमांड रन करेंगे।
तो वो आपके सिस्टम के अंदर पाइथन की लाइब्रेरी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। वो इंस्टॉल होना स्टार्ट होगी, ठीक है। आपको इंटरनेट कनेक्शन मस्ट है, अदरवाइज वो आपके सिस्टम में एरर आएगा, ठीक है, वो इंस्टॉल नहीं करेगा। तो देख अभी वो इंस्टॉल हो रही है, वो हमारा जो मैसेज आया है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, यानी पहले से ही इंस्टॉल है आपके सिस्टम के अंदर, आपको डालने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं होता इसके अंदर तो यहीं पर वो आपको कुछ टाइम लेता, कुछ मिनट लेता और कुछ मिनटों के अंदर वो आपके सिस्टम को इंस्टॉल कर देता। आप उसको कमांड को आप देख पा रहे हैं इंस्टॉल हो गया है। आप हमें कुछ सीएमडी को क्लोज कर देंगे और पाइथन को वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए नेक्स्ट प्रोग्राम को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस एंड थैंक यू।